रखूंगी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे काम करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पे काम किया था, और उससे भी पहले हमने ये देख लिया था कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और इनको किस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी हमने देख ली थी। अगर आपको किसी भी वीडियो के लिंक चाहिए तो मेरी प्ले लिस्ट में वीडियोज मौजूद हैं, आप वहाँ जाके उनके वीडियो से जाके हेल्प ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे काम कर रहे हैं, यानी कि लेट्स से हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और हमने उसे मल्टीप्लाई करना है। एक है हमारे पास सिंपल 5 और इस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3/4 के साथ, राइट? तो अब स्टूडेंट आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि 5 इज नॉट अ फ्रैक्शन, बट हमें ये पता है कि हमेशा जो भी नंबर इस तरह से लिखा जाता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 जरूर मौजूद होता है। तो इट्स मीन 5/1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। और अगर मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट तो ये बहुत ही सिंपल काम है कि आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ जाके ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने होते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और फिर उसे एक ही दफा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमिरेटर में है उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। नो नीड टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और नो नीड टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिंपल आपने जो भी डिफरेंट नंबर्स भी हैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, न्यूमिरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यू विल गेट योर रिजल्ट। अब ये है 5 × 3, 5 × 3 = 15 एंड 4 × 1 = 4, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 15/4। लेकिन 15/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 4 × 3 = 12 और रिमाइंडर आएगा 5 − 2 = 3। तो ये जो रिजल्ट आता है ये जाता है होल में, रिमाइंडर आता है ऊपर, तो इसका रिजल्ट आया है 3 whole 3/4। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है, यानी कि दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इस तरह से रिजल्ट आएगा। एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करना देखते हैं। लेट से मेरे पास है 7 × 3/14। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम यही डिस्कस करेंगे कि 7 है तो 7 के डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 3/14, राइट? अब 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 के साथ, 7 × 3 = 21 एंड 14 × 1 = 14, राइट? तो सबसे पहले तो ये 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसे कैंसिल आउट कीजिए। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, तो रिजल्ट आया मेरे पास 3/2। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 जाएगा अंदर, 2 होगा बाहर, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर आएगा 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 whole 1/2। इस तरह से हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करके और उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख के दिखाना है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो ऑब्वियसली हम मिक्स में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसको मिक्स में लिखना जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है उसकी डिटेल मेरी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद है। अब यहाँ पे नंबर 3 करने जा रहे हैं, और नंबर 3 में जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये है 1/4 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई 1/4 बाय 3/4। अब अगर ये एडिशन होता फिर तो हम 4 को एक ही दफा लिखते, लेकिन ये एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, जो भी न्यूमिरेटर में है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है चाहे वो सेम नंबर ही क्यों ना हो आपको उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है, राइट? प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16, राइट? तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि अब ये तो मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो यही मेरा रिजल्ट है। कैसे पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है और न्यूमिरेटर एक छोटा नंबर है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो न्यूमिरेटर छोटा हो तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओनली वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट? अब नेक्स्ट है मेरे पास और इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय
वन अपॉन टू। अब इसमें हमें कोई कंसर्न नहीं है, चाहे डिनोमिनेटर सेम हो या सेम नहीं हो। तो हमने सिंपल क्या करना है, हम तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है फ्रैक्शंस का। आप जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और जो कुछ न्यूमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो 2 3 6, 6 1 6 और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट विल बी 19, राइट। तो 9 5 हमारे पास क्या होता है, 45, और 45 × 2 इज 19। अब इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, किसके टेबल से, 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। इसको हम 3 के टेबल से ही कर लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9 एंड 0। तो 2/30, 2/30 को हम फर्दर कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 1/15। अब इसको फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, और रिजल्ट भी हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसलिए इसको फर्दर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यही हमारे पास इसका रिजल्ट है 1/15। यानी कि तीन फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/15। अब एक और हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास है, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, 1 होल 7/3, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 होल 1/9 के साथ। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको 7 के साथ जाके ऐड कीजिए। 3 1 3, 3 + 7 इज 10/3, और यहाँ पे 3 9 18, सॉरी 3 9 27, 27 + 1 इज 28, 28/9। अब अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता फिर तो हम इसके डिनोमिनेटर सेम करते, लेकिन ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि बल्कि मल्टीप्लीकेशन है। तो सिंपल, जो न्यूमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, जो डिनोमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 3 × 9, तो 28 10 ये हो जाएगा 280, एंड 9 3 18, राइट। इसमें कुछ मिस, 9 3 27, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 3 27, राइट। अब ये 280/27 है, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जो न्यूमिरेटर है वो बड़ा नंबर है। 27 के टेबल से करेंगे तो 27 10 हो जाएगा 270, और माइनस करेंगे तो 280 - 270 इस 10। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 27 1 27 करना चाहें उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 होल 10/27, ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू मिक्स फ्रैक्शन। द रिजल्ट विल बी 10 होल 10/27। अब नेक्स्ट है हमारे पास, और इसमें है 4 होल 2/5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 होल 7/11 के साथ, राइट। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, 5 4 20, 20 + 2 इस 22/5 को मल्टीप्लाई करना है, 11 3 33, 33 + 7 इज 40। हालांकि डिनोमिनेटर सेम है, बट नो नीड कि हम डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट नो नीड टू कि हम इसको डिनोमिनेटर सेम करें। सिंपल, न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू दीज मिक्स फ्रैक्शन। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 880, और 11 5 55, राइट। तो ये 5 के टेबल से इजीली डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, 5 1 5, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 880 को जब 5 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो 176। तो ये जो रिजल्ट आया है 176/11, ये फर्दर कट सकता है 11 के टेबल से ही, तो 176 को जब डिवाइड करेंगे 11 के साथ यू विल गेट 16। तो 11 1 11, 11 16 176, सो द रिजल्ट इज 16। तो इस तरह से हमने, अब ये सिंगल होल नंबर में ही रिजल्ट है, तो उसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते।
तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ आपके करने के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, और उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं आपके लिए। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 को 4/10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर सेकेंड ये है कि आपको 8 होल 4/5 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 होल 6/8 के साथ। और फिर नेक्स्ट ये है नंबर 3 में आपको 4 होल 4/5 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 होल 3/3 के साथ, राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।